अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्शीन और आज मैं आपको रमज़ान के लिए एक स्पेशल डिश बता रही हूं, लखनवी कबाब। ये ऑथेंटिक लखनवी कबाब नहीं है, सबकी अपनी डिशेस में थोड़ी चेंजेस होती है, इसीलिए ये मेरे टाइप की लखनवी कबाब है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg खीमा, या मैंने मटन का खीमा यूज़ की हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप चिकन खीमा भी यूज़ कर सकते हैं। हैंडफुल कोरिएंडर चॉप्ड, हैंडफुल पुदीना चॉप, इसे देखिए मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिए। 1 tablespoon बादाम पाउडर, आपको बस बादाम लेने हैं और उसे ग्राइंड कर लेना है डायरेक्ट। फिर ये है 1 tablespoon बेसन, बेसन को मैंने हल्का सा रोस्ट की हूँ, जब तक देखिए इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसे रोस्ट करें, सो दैट जब हम इसे मिक्स करेंगे ना कबाब में तो वो कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा। ये है 2 medium onions फाइनली चॉप्ड, 2 teaspoon ग्रीन चिलीज, 1/2 teaspoon जिंजर चॉप्ड, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। देखिए इस रेसिपी में दही भी जाएगी, तो ये 1/2 cup दही है, हमें हंग कर्ड यूज़ करना है, तो मैंने दही को इस साफ कपड़े में डाल दी हूँ और इसे इस तरीके से टाई कर ली हूँ, और फिर इसे छन्नी में रख के आप एक बर्तन के नीचे रखें तो सारा इसका जो पानी है वो इसमें निकल जाएगा। आपको इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे रखना है, तो जो भी दही में पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल हीट करेंगे और उसमें सारी प्याज डाल देंगे और उसे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करेंगे। देखिए प्याज इस तरह से लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर और ग्रीन चिली। जिंजर और ग्रीन चिली डालने के बाद बस इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दो मिनट फ्राई कर लिए, अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट, ये तीनों चीज इसमें डाल देंगे और बादाम पाउडर। और इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। 5 मिनट इसको भून लेने के बाद हम इसमें ये हंग कर्ड डाल देंगे और इसे दोबारा अच्छी तरह भून लेंगे मिक्स करके। मेक श्योर आप इसे बहुत अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि इसमें हमने गरम मसाला डाले हैं तो इसकी उसका स्मेल नहीं आना चाहिए, तो अगर आप इसको अच्छे से भून लेंगे तो उसकी सारी स्मेल चली जाएगी। तो इसे एकदम अच्छी तरह से भून लें, कम से कम 5 to 10 minutes तक इसे भूनेंगे हम। ये हमने अभी इसे भून लिए है, तो अभी हम फ्लेम ऑफ करके इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक का वेट। देखिए ये जो प्याज का मसाला हमने बनाए थे ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो अब हम इसमें डालेंगे खीमा। अब हमें इसे पकाना नहीं है, बस इसके अंदर ये सब ऐड करना है। खीमा डालेंगे, बेसन जो हमने रोस्ट करके रखे थे, पुदीना और कोथमीर। अब हम इसे पूरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अभी हमको क्या करना है, हमें एक ये ग्राइंडर का बोल लेना है, आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हो, और उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा ये डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा खीमे का मिश्रण जो हमने रेडी किया है, और बस एक राउंड इसे ग्राइंडर में घुमा लेंगे हम। इसे ज़्यादा हमको पतला नहीं करना, एकदम आटे जैसा नहीं करना है, बस एक ही राउंड घुमा के हम बंद कर देंगे। देखिए ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, देखिए सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए, तो अभी आप इसकी कबाब बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ अब इसकी कबाब कैसे बनाते हैं। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथों को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, ग्रीस कर लिए, और इतना पोर्शन लेंगे
ऐसे सर्कल्स बनाएंगे हम, और सारी कबाब को पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको ब्रेड क्रम्स और एग में कैसे हम। देखिए मैंने कबाब को इस तरह बना ली हूँ। मैं आपको अभी सिर्फ 3 कबाब बना के बताऊंगी क्योंकि मुझे बाकी सारी रमज़ान के लिए फ्रीज़ करनी है। तो देखिए अभी कबाब को पहले सबसे पहले आप ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। अगर आपको ये कबाब फ्रीज़र में स्टोर करनी है तो आप बस इसे इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के स्टोर कर सकते हैं, और अगर आपको इसे ऑन द स्पॉट खाना है तो आप ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसे अंडे में डिप करके डीप फ्राई कर ले। अभी डीप फ्राई करने के लिए हमने एक एग क्रैक कर लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसमें हमारी कबाब्स डिप करेंगे। हमने कबाब्स को पहले से ब्रेड क्रम्स में रोल कर लिए थे और इसे डीप फ्राई करेंगे। तो लखनवी कबाब हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।